जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने शनिवार को बढ़लगंज, उरवा एवं गोला के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करके लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया और निर्देश दिया कि बढ़लगंज में बाहर से आने वाली सभी एम्बुलेंसों का विशेष जांच सुनिश्चित कराने के उपरांत ही आगे भेजते हुए अगले बैरियर पर लगाए गए लोगों को सूचना भी दे और एम्बुलेंस को पूर्वांचल डेंटल कॉलेज में भेजा जाए। इस दौरान डीएम और एसएसपी ने सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे चार पहिया वाहनों का चालान भी कराया और संबंधित को निर्देश दिया कि सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। हैदराबाद से हम लोग पैदल चले, चलते चलते लगभग 60-70। हम घर वालों से वो एक बर्तन मंगवा लीजिए, अपने पास रखिए, दूर से खाना खाइए, इसलिए सबको बताइए। चलते चलते टोटल लगभग 400 किलोमीटर, 450 पैदल चले, फिर भी तरफ मिलते गया, पैदल चलते गया। कौन कौन से शहर होके आए हो? हम लोग आए हैं वहाँ से, जैसे वहाँ से निकले हैं नागपुर वाली सड़क पर चले हैं। हाँ, बगल में केसी और डॉक्टर साहब एक रखते हैं। स्कैनिंग करेंगे और फिर 14 दिन घर में। सर सर घाटन हो जाए बिहार वाले भी आते हैं सर, पटनागढ़ होते हुए इधर से जो ट्रक वगैरह जाती है सर, उसी पर जो है पटनागढ़ में सर बिहारों के लिए जाती है, उसी पर बिहार वाले ले रहे हैं क्या? सब चले जाते हैं। अब ले रहा है, ले रहे हैं अभी। देवरिया शहर नहीं जाते हैं, एम्बुलेंस का ओके, प्राइवेट एम्बुलेंस का एक तो आज को ठीक है, वो संपर्क में रहता है। नोट यहाँ होता है सर, नोट यहाँ होता है। गोला वगैरह में भी आने पर भी हमने लगा दिया बॉर्डर बैरियर, वहाँ भी ड्यूटी 24 घंटे लगा दिए। छोटा छोटा नाका सारे बंद कर देना, बंद नहीं कर पाओगे जेसीबी से खोद लो, ताकि कोई लोग गाड़ी ना आ पाए। ऑटोमेटिक निकलना है और दूसरा चीज करना होगा, एम्बुलेंस जो भी आता हो उसको उतार करके अच्छे से, तो खासतौर पर यार कहीं से दूर से, यानी मुंबई से और कहीं दिल्ली से, कहीं से फैसिलिटी हमारी है नहीं। प्राइवेट एम्बुलेंस डेंटल हॉस्पिटल जो बीड़ा में है, बीड़ा ऑफिस के बाहर है, वहाँ जाए। एम्बुलेंस स्क्रीनिंग वहीं कर रहे हैं, यहाँ यदि संख्या ज्यादा है तो फिर देखना पड़ेगा कितने पर डे कितने आता है। और ये जो है अपने गोरखपुर के लिए 1300 हो गया, 1200 समथिंग, 1200 1300 हो गया, ये सर 23 1300।